नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है सोचने समझने वाले इस प्रोग्राम में। ताजा राजनीतिक गपशप को जाना जाए। 5 राज्यों की 7 लोकसभा सीटें खाली, लेकिन चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की। हिमाचल के साथ इन सीटों पर घोषणा नहीं हुई तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि गुजरात विधानसभा के साथ इन सीटों पर उपचुनाव होगा, पर चुनाव आयोग के जानकार सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव टाला भी जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की बुरी तरह हारने के बाद पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि अभी लोकसभा का कोई उपचुनाव ना हो। पार्टी नेताओं को हिमाचल और गुजरात में जीत की उम्मीद है और इसलिए वे चाहते हैं कि 18 दिसंबर को इनके नतीजे के आने के बाद चुनाव हो तो बेहतर होगा, तभी किसी न किसी बहाने उपचुनाव टाला जा सकता है और संभव है कि नए साल में उपचुनाव हो। समाजवादी पार्टी में किसी जमाने में नंबर 2 नेता माने जाने वाले शिवपाल यादव पार्टी और परिवार के अंदर की राजनीति का शिकार हो गए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं रखा। सपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि अपने पिता मुलायम सिंह की योजना पर अमल करते हुए अखिलेश ने शिवपाल को निपटा दिया। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह ने पिछले दिनों हुई अखिलेश की मुलाकात में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी पदाधिकारियों के बारे में भी बात हुई थी। अखिलेश ने साफ कर दिया था कि वे शिवपाल को नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको यह भी पता था कि शिवपाल को शामिल नहीं करने पर हल्ला मचेगा और उनको पार्टी छोड़ने का एक और बहाना मिल जाएगा। तभी मुलायम सिंह यादव को भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग रखने का फैसला हुआ। इस फैसले से सारा फोकस मुलायम पर हो गया और शिवपाल का मामला गौण हो गया। मुलायम का आशीर्वाद पूरी तरह से अखिलेश के साथ है। अब शिवपाल को जो भी फैसला करना है वह अकेले करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस को दूसरी बार झुकाया है। प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के 2 दिन बाद वीरभद्र सिंह दिल्ली पहुंचे और बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 टूक अंदाज में कह दिया कि अगर चुनाव अभियान समिति की कमान उनको नहीं दी गई तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी छोड़ेंगे और न चुनाव लड़ेंगे न पार्टी को लड़वाएंगे। वीरभद्र की चेतावनी से घबराए कांग्रेस नेताओं ने तुरंत सुक्खू की बजाय चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी उनको बना दिया और सुक्खू को चुप रहने के लिए कहा गया। अब यह तय है कि वीरभद्र अपनी पारंपरिक शिमला देहात की सीट से बेटे विक्रमादित्य को लड़ाएंगे और खुद दूसरी सीट से लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सुक्खू से कहा गया है कि वे जिन लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं उनकी सूची प्रभारी नेताओं को दें और सीधे किसी की पैरवी करने से बचें। हिमाचल में पंजाब का इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन नतीजे पंजाब जैसे होंगे या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। जनता की भड़ास का पर्याय है सोशल मीडिया, उस नाते जनता की भड़ास में अभी मानो विस्फोट सा हुआ पड़ा है। इसमें पक्ष विपक्ष की दलीलें मिलेगी तो एक तरफा हवा भी, जैसे यह 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित। अरमद साहजा को पूछना चाहता था, ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ ये मामा के घर से लाए थे क्या? अब उन सुर्खियों पर गौर करें जो कल पहले पेज पर होगी। भाजपा ने भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए हवाई टिकट खरीदे थे तथा भंडारी ने लंदन में वाड्रा के फ्लैट का रेनोवेशन भी कराया था। हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में वाड्रा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े और वो बताए कि आखिर मामला क्या है। दूसरी ओर इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह बहन के पति के आरोप में आने के बाद सफाई दें। गौरतलब है कि एक निजी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज देश के पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के वक्त भारत की परंपरा का मजाक उड़ाया गया था। उनकी सरकार ने 3 साल में यह स्थिति बदली है, जिसकी उनको खुशी है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश विकास करने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करना न जान ले। अपनी विरासत को छोड़कर आगे बढ़ने वाले देशों की पहचान खत्म होनी तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले में आयुर्वेद अस्पताल होने चाहिए और इसके लिए आयुष मंत्रालय काम भी कर रहा है।
ताजमहल पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया है। आदित्यनाथ ने कहा कि ताजमहल हिंदुस्तान के मजदूरों के खून पसीने से बना है, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि ताजमहल पर्यटन के मानचित्र पर रहेगा। मैं 26 अक्टूबर को आगरा जा रहा हूं और कई सौगात आगरा को दूंगा। गौरतलब है कि भाजपा विधायक संगीत सोम ने ताजमहल पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि ताजमहल भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा है, हम किस इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। ताजमहल के निर्माता शाहजहां ने अपने पिता को कैद कर लिया था, वह हिंदुओं को समाप्त करना चाहता था। यदि ऐसे लोग हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम इस इतिहास को बदल देंगे। वहीं इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धरोहरों पर गर्व करने की सीख दी। आप देख रहे थे सोचे सोचना जरूरी। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइबर का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो 09717748382 पर उसे अवश्य भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, अब कल मिलेंगे।